ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, कल पर्व है दीप जलाने का, उजालों का पर्व। कल है उत्सव का दिन, प्रसन्नता का और संपन्नता का उत्सव है कल। तो उससे पहले जो कुछ एका चीज अटकी पटकी पड़ी है उसको भी हम हटा दें। मित्रों, आजकल हमारे समाज में एक जो हमारी बहुत पुरानी और अच्छी परंपरा चली आ रही थी, जिसको हम सम्मान के एक सम्मान जिसको हम मानते हैं, वो हमारे यहाँ कहीं खोती जा रही है, जिसे कहते हैं चरण स्पर्श करना। मित्रों, आजकल हम देखते हैं कि घुटने स्पर्श किए जाते हैं, चरण स्पर्श कोई नहीं करता। अधिकांश लोग घुटने स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद देने वाले भी गॉड ब्लेस यू नहीं। भारत में आशीर्वाद की परंपरा इतनी वृहद है, इतनी विशाल है कि आप हर किसी को अलग अलग आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आपके मन के भावों को व्यक्त करिए ना। गॉड ब्लेस यू तो ऐसा लगता है जैसे बस आपने करना था, बोलना था, बोल दिया। मत करिए ऐसा। जो व्यक्ति आपके चरण स्पर्श कर रहा है, वो आपका सम्मान करता है, उसे आप उसके सम्मान का भाव तो दीजिए। आप दीर्घायु हो, यशस्वी भव या विजयी भव, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें आगे बढ़ें। आपको संस्कृत नहीं आती, छोड़िए ना, हिंदी तो आती है, हिंदी में आशीर्वाद दीजिए ना, क्या समस्या। अपनी भाषा का इस्तेमाल करिए, अपनी भाषा का प्रयोग करिए। वहां से क्या होगा, जब आप घुटने छूना बंद करके चरणों तक पहुंचेंगे तो आपका अहंकार झुक जाएगा। तो अपना अहंकार जब झुकता है ना, तो बहुत सी चीजें वहां नष्ट हो जाती हैं। आप किसके सामने झुक रहे हैं? आप अपने गुरुजनों के सामने झुकेंगे, आप अपने पूज्य जनों के सामने झुकेंगे, आप अपने सम्माननीय आदरणीय जनों के सामने झुकेंगे। समस्या कहाँ है झुकने में? यदि वो आपके प्रति कुछ गलत भी करते हैं, वो हमारे प्रति कुछ गलत भी करते हैं, तो उनके सामने झुकने में समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो हमारे अशुभ चिंतक नहीं है, वो हमारे शुभ चिंतक हैं। तो उनके सामने झुकने में कैसा संकोच, कैसी लज्जा? कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं। आप उनके सामने झुकिए। कुछ मन के तार हल्के होंगे, कुछ मन की कड़वाहटें धुल जाएंगी। आपके इतना करने से यदि कुछ ऐसा होता है, अपने इतना करने से यदि बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान बढ़ता है, तो क्या जाता है मित्रों, उनको भी प्रसन्नता का अधिकार है, वो भी प्रसन्न हो सकते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, होना चाहते हैं। आप थोड़ा सा उनके सामने झुक जाइए, बहुत राहत मिलेगी आपको भी, बहुत शांति मिलेगी आपको और उनको भी, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे। मित्रों, आपका जो देह रूपी धन है ना, इसको विकसित करने में आपके बड़ों का, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी आत्मा से जो शब्द निकलते हैं, वो हमारे जीवन को विकसित करने में संपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। मित्रों, हमने देखा है हमारे पुरानी कहानियों में, जो हमारी पुरानी सच्चाइयां हैं, उनमें हमने देखा है कि कैसे आशीर्वाद काम किया करते हैं। तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? हमारे साथ भी वो आशीर्वाद काम करेंगे। मित्रों, तो आज झुक जाइए अपने गुरुजनों के आगे, आज झुक जाइए अपने पूज्य जनों के आगे। हमें झुकना है और हम झुक सकते हैं। वो बड़े हैं हमारे, वो पूज्य हमारे, उनके देह में थोड़ी अकड़ आ सकती है, पर हमारी देह में कौन सी अकड़ है? हमें झुकना सीखना है, और नहीं आता तो अब सीख लीजिए ना। यदि झुकना है तो मात्र कमर से ना झुकें, घुटने भी झुकाएं। जब आप चरण स्पर्श करने जाएंगे ना, तो थोड़े से घुटने झुकाएं, उसके बाद थोड़ी कमर झुकाएं, और यदि नहीं झुकते बन रहा है तो बैठ जाइए, बैठ के चरण स्पर्श कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फिर खड़े हो जाइए, अरे उठक बैठक लग जाएगी, समस्या कहाँ है। थोड़ी सी कसरत हो जाएगी, थोड़ा सा व्यायाम हो जाएगा। मत भागे व्यायाम से, मत भागे कसरत से, ये आपकी देह के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको अपनाइए और अपने बड़ों के, अपने पूज्य जनों के सामने संपूर्ण रूप से झुकिए। और मेरी महिलाओं से विशेष
अनुरोध है कि किसी भी पुरुष के, अपने पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष के आपको चरण स्पर्श नहीं करने हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसी जहां परंपराएं हैं कि जहां कन्याएं अपने पिता और बड़े भाइयों तक के चरण स्पर्श नहीं करती हैं। तो हाँ, यदि आपके ऐसी परंपरा है तो आप उनके चरण स्पर्श करिए, लेकिन अन्य किसी भी पुरुष के, चाहे आपके घर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गुरुजन हो, आपको किसी अन्य के चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये शास्त्र विरुद्ध है। एक स्त्री को मात्र अपने पति के ही स्पर्श करने चाहिए और किसी के नहीं, किसी अन्य पुरुष के नहीं। स्त्रियों के कर सकते हैं, लेकिन अन्य पुरुष के आपको चरण स्पर्श नहीं करने हैं। यह वेद विरुद्ध है, वेद इसकी निंदा करता है, क्योंकि वो पुरुष की मर्यादा के विरुद्ध है और वो स्त्री की भी मर्यादा के विरुद्ध है। और यदि आप दोनों ही मर्यादा भूलते हैं तो फिर काम अमर्यादित ही होते हैं समाज में। इसलिए इस मर्यादा को बचाइए, इस मर्यादा को संभालिए। किसी भी गुरुजन से, किसी भी अपने बुजुर्ग व्यक्ति से, मात्र जिसने आपको बचपन से देखा है, बचपन से खिलाया है, और आपके पति, इसके अलावा आपको किसी के भी चरण स्पर्श नहीं करने हैं। ये मेरी बहनों के लिए, बहनों से मेरा विशेष अनुरोध है। तभी आप कुछ गलत होने देने से बच सकते हैं, अपने साथ में गलत नहीं होने हो पाएगा। तो मर्यादा बनाए रखें। झुकना है, आप पूरे झुक जाइए, जितना झुक सकते हैं झुक जाइए, पर स्पर्श नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए। और यहाँ से आप मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो वीडियो विवरण के वीडियो अवश्य देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन के वीडियो देखिए, वो आपके हर, इस देह के हर रोग को समाधान करने का सामर्थ्य रखते हैं। मित्रों, ये वो सारे वीडियो ऐसे हैं, कैंसर हो चाहे पेट खराब हो, हर समस्या का समाधान है वहाँ पर। और आप मुझसे बात करना चाहें तो उन वीडियोज में मैंने नंबर भी दे रखा है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।